जय श्री कल्कि, जय सियाराम, जय हनुमान। पापियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, क्राइम का ग्राफ लगातार इंक्रीज हो रहा है, और कब, कहां, कैसे, कौन सा क्राइम क्रिमिनल्स अंजाम दे दें ये कोई नहीं समझ पा रहा है। हमारे देश को ही अलग, एक अलग रूप देने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, आज हर किसी की नज़र हमारे देश के ऊपर है, और हर कोई चाहता है कि हमारे देश में भी मुस्लिम आबादी, जो कि अभी माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी में आ जाए और फिर से एक बार हमारा देश मुस्लिम राष्ट्र बन जाए। अब इसके पीछे जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है, धीरे धीरे वो उजागर भी होती चली जा रही है। लोगों को पता चल रहा है उस खतरनाक षड्यंत्र का जो आज पाकिस्तान खेल रहा है हमारे देश के लिए। यानी उसे आज भी लगता है कि हमारे देश पर कब्जा करके और हमारे देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने में पाकिस्तान बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जिस प्रकार उसने आतंकवादियों की घुसपैठ करा दी हमारे देश में, यानी कश्मीर में, अब भी आतंकवादी कश्मीर में अपना कोहराम मचा रहे हैं। बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों के तौर पर बांग्लादेशी मुसलमान आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे कारनामे कर रहे हैं कि लगातार लोगों को धमकियां मिल रही हैं, और जिसके चलते अब हिंदू मोहल्ले में रहने वाले लोग भी डर के साए में जी रहे हैं। लेकिन इसी बीच केवल तीन शब्द, जी हाँ, तीन शब्दों के द्वारा हमें ये मैसेज मिला है कि वास्तव में आने वाले समय में इंसान को किस प्रकार रहना चाहिए। और वो तीन शब्द किसके मुंह से सुने गए, तो आप लोग कहेंगे ये तो पॉलिटिकल बातें हैं, तो इसमें भगवान कल्कि का क्या रोल। दरअसल भगवान कल्कि डायरेक्टली आकर मानव से बातें करेंगे नहीं, लेकिन वो इसी धरा से, क्योंकि इसी धरा के मनुष्यों को जाना है सतयुग में, तो इसी धरा से वो उन सोल्स को चूज करेंगे जिनके द्वारा वो अपनी वाणी दूसरों तक पहुंचाएंगे, आने वाले समय के खतरे को भांपते हुए, ताकि इंसान सही राह पकड़े जिसमें उसकी जान बच सके, अन्यथा मरने से फिर इंसानों को कोई नहीं रोक पाएगा। अगर अभी नहीं संभले तो आने वाला समय पटकनी देने वाला है। जी हाँ, और वो शब्द जो नरेंद्र मोदी के नहीं हैं कि सबका साथ सबका विकास, अब नरेंद्र मोदी ने भी देख लिया कि ना उन्हें सबका साथ मिला, और जो सबका विकास करने की बातें वो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब गलत साबित हो रही हैं, क्योंकि विकास तो लोग ले लेते हैं अपने पाले में, लेकिन वोट नरेंद्र मोदी को नहीं देते हैं। तो नरेंद्र मोदी नहीं, बल्कि योगी आदित्यनाथ के मुँह से वो शब्द जो निकले, वो लोगों के एक बहुत टची वो वर्ड्स थे जो लोगों के हृदय पर ऐसी चोट दे गए कि जो विपक्षी दल था वो तो तिलमिला गया, जैसे ओवैसी एकदम तिलमिला उठे, क्योंकि उन्हें सभी को इस धरा पर मुस्लिम ही बनाना है। सभी लोग कुरान पढ़ें, सभी लोग बुरके में रहें, और सब लोग मुस्लिम धर्म ही पालन करें, जो आजकल चल रहा है बहुत बड़ा ट्रेंड कि हिंदू लड़कियों को उठा लो, उनके साथ बदतमीजी करो, उन्हें ज़बरदस्ती मुसलमान बना लो। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो शब्द कहे, वो शब्द क्या थे आप लोगों ने भी सुना होगा, कि अगर आप लोग एकजुट होकर नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा, अगर एकजुट होकर नहीं रहेंगे तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाइए। यानी बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, यानी अगर आपके अंदर, हिंदुओं के अंदर यूनिटी नहीं है तो फिर मरने के लिए आप तैयार हो जाइए। कहीं कोई आपको तलवार से हमला कर देगा आप पर, कहीं कोई
गर्दन को अलग करने का नारा, तर सर तन से जुदा का नारा वो दे देगा। कहीं कोई आपको डराएगा धमकाएगा, कहीं सरेआम ही मर्डर कर दिया जाएगा। तो डरना नहीं है बल्कि और अलग अलग नहीं रहना है। आजकल हमारे देश में एक ट्रेंड चल पड़ा है कि बाहर की कंट्रीज़ में देखिए, मुस्लिम कंट्रीज़ जितने भी हैं सब एकजुट हैं, लेकिन हमारी कंट्री में आप देख लीजिए, हिंदू होते हुए भी लोग एक दूसरे के अगेंस्ट बोल रहे हैं। हमारे ही देश में रहकर लोग हमारे देश को फेवर नहीं दे रहे हैं बल्कि बाहर की कंट्रीज़ को फेवर दे रहे हैं। कोई चाइना को दे रहा है, कोई पाकिस्तान को दे रहा है, कोई अमेरिका को दे रहा है। सबसे पहले अपने देश को देना चाहिए फेवर, तो फिर हम दूसरे देश को फेवर देंगे। अगर हम खुद मजबूत नहीं तो हम सामने वाला तो हमारा फ़ायदा उठाएगा ही। तो इसलिए बटना नहीं है, अगर बट गए तो कटने के लिए फिर तैयार हो, फिर किसी और पर आरोप देने की ज़रूरत नहीं है। खुद ही हिंदू होते हुए यदि रामचरित मानस को कटघरे में खड़ा किया जाए, राम जी कृष्ण जी पर अगर लांछन लगाए जाएं, उनके लिए कड़े शब्द बोले जाएं, कहीं पर राजस्थान के कोटा में शिवलिंग को ज़ोरदार प्रहार से तोड़ दिया गया, अगर इस तरह की घटनाएँ होंगी तो फिर अगर हिंदू संगठित नहीं हैं तो फिर तो यही होगा। अगर एकजुट नहीं रहेंगे, नेक कार्य नहीं करेंगे तो फिर विश्वगुरु भारत बनने से रहा, फिर बहुत जल्द मुसलमानों का कब्जा। तो जैसा मेरे एक व्यूअर ने कहा था कि हिंदुस्तान बहुत कम समय के लिए ही अब आज़ाद है, वो शुरू से गुलामी की उसे आदत पड़ गई है। तो आने वाले समय में इसी तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है कि हमारे देश को भी मुस्लिम राष्ट्र बना दिया जाए। लेकिन अगर होना है, लिखा गया है, भगवान कल्कि ने भी ये अगर ठान लिया है कि भारतवर्ष को विश्वगुरु बनना है, तो उसके लिए साम दाम दंड भेद भगवान श्री कृष्ण की तरह कुछ भी करें, अनकंडीशनल विक्ट्री तो भारतवर्ष के पाले में आएगी ही। लेकिन उसके लिए अभी से आगाह दिया जा रहा है लोगों के द्वारा, वो जो शब्द बोले जा रहे हैं बहुत मीनिंगफुल वर्ड्स हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, ये तीन शब्दों का अर्थ समझ जो लेगा वो यूनिटी में रहेगा, और जो यूनिटी में नहीं रहना चाहता है, जो यहाँ वहाँ भटकेगा, वो तो फिर उसका अंत निश्चित है। तो अब करना क्या है, क्या अपने देश के प्रति वफादारी निभानी है, या अमेरिका में जाकर अपने देश के खिलाफ कुछ ऐसा जहरीले बोल देना है कि अमेरिका भी फ़ायदा उठाए, चाइना भी फ़ायदा उठाए, पाकिस्तान भी फ़ायदा उठाए, हर कोई हमारे देश का फ़ायदा उठाए, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये याद रखिए। इसलिए सबको एकत्रित होके सही सोच के द्वारा ही अपने देश को आगे लेकर जाना है, तभी जो सोने की चिड़िया हमारा देश कहलाता था फिर से वो समय हम लेकर आ पाएंगे। लेकिन इसमें एक संगठित शक्ति की, यूनिटी की पावर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय समय पर ऐसी ही वाणी के द्वारा किसी न किसी के माध्यम से भगवान कल्कि, महाशिव, ब्रह्मांडीय शक्तियाँ लोगों तक अपने मैसेजेस पहुँचा रही हैं, डिवाइन मैसेज कि अब भी संभल जाओ। लेकिन जिन्हें नहीं संभलना, जिन्हें अधर्म के रास्ते पर चलना है, फिर तो महाविनाश, महा जो विनाश लीला चल रही है भगवान की, उसमें उनका अंत निश्चित है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।